क्या हाल चाल बच्चों, ठीक ठाक? लास्ट लेक्चर देखा होगा? नहीं, सारा थ्योरी समझ में आ गया होगा? चलिए हम लोग एक दो सवाल बनाते हैं। एक प्रॉब्लम हम लोग देते हैं। प्रॉब्लम वन, ए स्कूटर टायर एच bump to air at 8 atmosphere pressure at 27 degree C. It is suddenly brushed. Calculate temperature of air just after bursting. Formula repeated है? नहीं, आपका जो है जब ब्रस्ट कर जाएगा, यहाँ पी वन कितना है 8 एटमोस्फेयर प्रेस, टी वन कितना है 27 डिग्री सी 300 केल्विन, आपका पी टू कितना हो जाएगा 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। जब ब्रस्ट कर जाएगा तो स्कूटर टायर के अंदर जो हवा है वो आपका जो है कितना है प्रेशर पर आ जाएगा, जाहिर है कि हमारा नॉर्मल प्रेशर पर आ जाएगा, दैट इज 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तब हमारा जो है पी भी गामा कांस्टेंट, यहाँ हम लोग को पी रखना है, भी को हटाना है, एन आर टी बटे पी गामा हो जाएगा कांस्टेंट। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ गामा का वैल्यू देना होगा प्रॉब्लम में। गामा का वैल्यू 3/2 ले लीजिए, नहीं तो पी वन माइनस गामा टी गामा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। आइदर डायरेक्ट याद रखिए या एक लाइन आपको 10-5 सेकंड आपको लगेगा मेमोरी रिकॉल करने में, हम तो कहेंगे आप डिराइव कर लिया कीजिए। मेमोरी कभी कभी हम लोग को धोखा दे देता है। नहीं तो यहाँ से आपका इनिशियल कितना है 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1-3/2 टेम्परेचर कितना 300, तो 3/2 फाइनल प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1-3/2 टेम्परेचर T2^3/2, तो ये हमारा 8 का पावर कितना हो जाएगा आधा, 8 का पावर -1/2, 300 का पावर 3/2, ये T2 का ये 1 हो जाएगा, 1 का कितनों पावर देंगे 1 ही होगा, 3/2 दोनों, यहाँ भी आधा है यहाँ भी आधा है यहाँ भी आधा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो ये हमारा 8 का पावर -1 हो जाएगा, ये 300 का पावर 3 हो जाएगा, ये T2 का पावर
थ्री हो जाएगी। तो यहाँ 300/8 इसको एक लाइन बढ़ा के लिखो तो ये 1/8 हो जाएगा गुना 300 का पावर 3, T2 का पावर 3। तब हमारा जो है इसी को एक लाइन और बढ़ाते हैं 300/2 का पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो ये T का पावर 3। दोनों तरफ रूट ले लीजिए 300/2 = T2, तो ये आपका T2 कितना हो जाएगा 150 केल्विन, या 150 में 273 घटा दीजिएगा तो ये डिग्री सी हो जाएगी। ठीक है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। एक सवाल और लिखिए। एक गैस ए कंप्रेस्ड आइसोथर्मली आइसोथर्मली सो दैट इसमें प्रेशर ले लीजिए, एक गैस एट प्रेशर 76 cm of Hg इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल एंड देन इट एक्सपेंड्स एडिया बेटिकली सच दैट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज 44% ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर। गामा का वैल्यू 3/2 दिया हुआ। यहाँ देखिए जो है दो स्टेज में प्रॉब्लम है। पहले जो कंप्रेस्ड किया जाता है आइसोथर्मली नहीं, ठीक, तो ये आपका जो है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता नहीं, उसके बाद जो है दूसरे कंडीशन में जब कंप्रेशन के बाद जस्ट नहीं इसको एक्सपेंड कर दिया जाता है एडिया बेटिकली प्रॉपर, तो हमारा जो है P1 V1 बराबर
पीटू भीटू। ये जो भीटू, ये जो हमारा पीटू भीटू होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। तो पी वन हमारा इनिशियल कितना प्रेशर था, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी का, मतलब बैरोमीटर का रीडिंग कितना था, 76 सेंटीमीटर। वॉल्यूम मान लीजिए भी था पी टू, अब वॉल्यूम क्या हो गया, एक चौथाई हो गया। तो हमारा जो है पी टू कितना हो गया, 76 गुना 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब वॉल्यूम हो गया 1/4 और प्रेशर हमारा क्या हो गया, 76 गुना 4 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक, अब हमारा पी टू भी टू गामा बराबर पी थ्री भी थ्री गामा। इसके बाद जो है एक्सपेंशन कैसा हुआ, एडियाबेटिकली हुआ नहीं। ठीक, अब देखिए जो है यहाँ से पी टू कितना हो गया, 76 गुना 4। अब भी टू कितना है, भी बटे 4, इसका पावर 3/2 नहीं। तब देखो जो है पी थ्री हम लोग को निकालना है, वॉल्यूम कहता है 44% बढ़ाया गया, किसका 44%, इनिशियल वॉल्यूम का 44% तक बढ़ाया गया। नहीं, सच दैट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज ने 44% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, 44% किसका, इनिशियल वॉल्यूम का। इसका मतलब भी प्लस 0.44 भी पावर 3/2, 44% बढ़ गया। या इसी को लिख सकते हो 76 गुना 4 गुना भी का पावर, सॉरी भी बटे 4 का पावर 3/2। यहाँ से पी थ्री 1.44 पावर 3/2। तो ये आपका जो है यहाँ से 1.44 भी है, 1.44 भी है, शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 1.44 भी इसका पावर 3/2 नहीं। तब हमारा देखिए तो भी और भी कट जाएगा नहीं, तो यहाँ से 76 गुना 4, ये 4 का पावर 3/2 नहीं, 4 का पावर 3/2 का मतलब नहीं, 1/4 का पहले पावर आधा, इसका पावर 3। पावर का पावर लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा होगा क्या होता है, गुना। तो यहाँ पर आपका पी थ्री 1.44 का, इस यहाँ एक लाइन और बढ़ाइए, इसका पावर आधा, इसका पावर 3। ठीक, तब देखो यहाँ से तो 76 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा। तो ये 76 गुना 4 नहीं,
एक बट्टा दो, चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं, कंपटीशन रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, इसका पावर 3। अब 1.44 का वर्गमूल, तो ये 1.2 का पावर 3, तो ये आपका जो है तो P3 कितना हो जाएगा, 76 × 4/8, 1.2 का पावर 3। तो ये आपका 2 से काट सकते हैं, नहीं तो ये आपका 38/1.2 का पावर 3, इसको आप गुना भाग कर सकते हैं, 1.2 × 1.2 × 1.2, ये गुना भाग कीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर ऑफ HG आएगा। कोई दिक्कत, एग्जैक्ट गुना कीजिएगा 21.9 आएगा, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखे हैं, 22 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग बात करें वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आपका वर्क डन इन आइसो थर्मल प्रोसेस, आइसो थर्मल प्रोसेस में तो DW PdV होगा, ठीक। तो हमारा जो है यहाँ आपका एक फंक्शन पी है, दूसरा क्या है DV का, नेता जो है पी का है, चमचा किसका है भी का। हम लोग क्या करेंगे, पी को बदल लीजिए भी में, PV बराबर क्या होता है NRT, तो पी बराबर क्या होगा NRT/V। तो ये हमारा W जो है NRT आपका जो है DV/V, यहाँ पर जो है फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए N क्या है, कांस्टेंट है, N क्या है हमारा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन है, इसका मतलब T हमारा क्या है कांस्टेंट, इसी लेके इसको इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर कर लिए। यहाँ P के जगह पर जो है एक लाइन आप बढ़ाना चाहें तो पूरा रख के अगले लाइन में बाहर कर सकते हो। तो मान लीजिए कहाँ से कहाँ वॉल्यूम गया, V1 से एक्सपेंड होके V2 तक गया, तो DV/V का इंटीग्रेशन क्या होता है log V। तो ये हमारा W जो है आइसोथर्मल कंडीशन में NRT log base A V हो जाएगा, ये V1 से V2। तो ये हमारा W आइसोथर्मल NRT log E V2 - log E V1, तो ये हमारा NRT log आपका जो है V2 /
भी वन बेस क्या है ई, इसी को यदि 10 बेस में बदलिएगा ई को हटा के, तो हम लोग क्या करते हैं 2.303 से गुना करते हैं, एन आर टी लॉग बेस 10 भी टू बटे भी वन। ठीक, तो ये आपका जो है नहीं हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला भी हम लोग के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक, इसी पर हम लोग से जो है फॉर्मूला फिटेड सवाल भी पूछता है। एक बना के देखिए, सपोज टू मोल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एट 127 डिग्री से 27 डिग्री सी सच दैट इट्स वॉल्यूम एक्सपेंड्स 20 लीटर टू 80 लीटर। कैलकुलेट वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस के एक्सपेंशन में कितना वर्क डन हुआ ये निकालना। अभी के लिए तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला फिटेड है। डब्ल्यू देखिए जो है 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी टू बटे वी वन, तो ये आपका 2.303 एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, आर का वैल्यू कितना, यहाँ देखिए आर का वैल्यू कितना होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ टी कितना दिया हुआ, ये आपका 127 डिग्री सी, 127 डिग्री सी केल्विन में बदलिएगा तो क्या होगा 127 + 273, तो ये आपका 400 केल्विन। ने 8.31 टेम्परेचर 400 लॉग बेस 10, ये हमारा 80/20, तो ये 2.303 गुना 2 8.31 गुना 400 गुना ये 4 हो, लॉग हमारा जो है बेस 10 4 हो जाएगा। इसे को आप 2.303 गुना 2 8.31 गुना 400, इसी को आप लॉग बेस 10 2 का पावर 2 लिख सकते हो। ये आपका 2.303 आपका जो है गुना 2 गुना 8.31 400, ये पावर इधर हो जाता है,
लॉग बेस 10-2 जानबूझ के तुम लोग को समझाने के लिए हम बढ़ा रहे हैं। एग्जाम में बनाना होगा तो हम लोग 80/20 भी नहीं लिखेंगे, सीधे 4 मने मन लिखेंगे, 2 इधर करेंगे। ऐसे करेंगे तो कभी मेडिकलों नहीं कम्प्लीट करेंगे। लेकिन अभी आप लोग को समझ में आ जाए कैलकुलेशन, कोई किसी में लटकाव नहीं हो, तब हमारा जो है 2.303 गुना 2 गुना 8.31 गुना 400 गुना 2 0.301। अब इतना जो है गुना भाग कर लेना, ठीक। ये तो हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए ठीक, अब हम लोग जो है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हम लोग जो है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तब देखिए जो है तो ये आपका DW PDV। अब हमारा जो है PV गामा कांस्टेंट, तो पी क्या हो जाएगा K/V गामा, तो W हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका K/V गामा DV। मान लीजिए V1 से V2 एक्सपेंड कर रहा है, ठीक, तो ये हमारा W क्या हो जाएगा, K बाहर कर लीजिए, तो ये V1 से V2 V-γ dV। नहीं, हम लोग क्या किए, घातांक का नियम को इस्तेमाल किए, हमारा नीचे पावर गामा है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर हो जाएगा वो। अब इसका जो है इंटीग्रेशन में क्या बताए थे, जितना पावर है उसमें एक जोड़ना, तो ये हमारा जो है इंटीग्रेशन कीजिएगा, जितना पावर भी माइनस गामा में एक जोड़ना और उतना से क्या करना, डिवाइड करना, तो -γ+1 ये डिवाइड कर दिए, कहाँ से कहाँ, V1 से V2। फिर देखो जो है W K/1-γ इसको लिख सकते हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, V2 1-γ या -γ+1 -V1-γ+1। देख लो कहीं समस्या हो तो बोलो। एक बार भी के जगह क्या रखा, V2, तो V2 का पावर क्या हो गया, -γ+1। फिर दोबारा क्या रखा, भी के जगह V1, जितना पावर था रख दी। अब इसको जो है यहाँ से ठीक
तो ये आपका W, तो यहाँ से देखिए कि आपका V2 माइनस गामा इंटू V2 माइनस के V1 माइनस गामा V1 बटे 1 माइनस गामा। यहाँ देखिए हम लोग जो है V2 का पावर माइनस गामा प्लस 1, तो V2 माइनस गामा इंटू V2 1 बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नहीं, इसके जगह पर V2 माइनस गामा प्लस 1 इसी को लिखे हैं। तो आप देखिए P गामा K है, नहीं तो P बराबर K बटा V गामा। एक लाइन और बढ़ाओ यदि नहीं समझ में आता है तो, तब देखो जो है इसको यहाँ से के बटा V2 गामा इंटू V2 माइनस के बटा V1 गामा इंटू V1, इसको जो है इधर लिखो 1 माइनस गामा, ठीक, के बटा V2 गामा, तो क्या लिख सकते हो P, तो ये हमारा 1/1 माइनस गामा, तो ये हमारा P2V2 हो जाएगा। और इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1 लिख सकते हैं, तो P1V1, ठीक है। तब आपका जो है यहाँ देखो गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, तो 1 माइनस गामा क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लोग पॉजिटिव करने के लिए क्या करें, हम लोग पॉजिटिव करने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ से गामा से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा P1V1 माइनस P2V2, ये क्या हो जाएगा गामा माइनस 1 हो जाएगा। ये W एडियाबेटिक प्रोसेस का एक फॉर्मूला होगी। ध्यान रखिए इसमें हम लोग गड़बड़ करते हैं, हम लोग को आदत बना हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल करने के लिए, इसीलिए कि P2V2 माइनस P1V1 गामा माइनस 1 ये फॉर्मूला गलत है। हाँ, यही यदि सही है P2V2 माइनस P1V1 और ये 1 माइनस गामा रहे, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, सही है। ये ब्रेक को मजबूत रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यही छोटा छोटा चीज़ में हम लोग को गलती करा देता है और हम लोग जो है नॉलेज रहते हुए भी हम लोग छट जाते हैं। इसे लेके यहाँ पर जो है बाएं साइड में लिख के रखो, यदि नीचे गामा माइनस 1 लेना है नहीं तो ऊपर हम लोग को P1V1 माइनस P2V2, और यदि 1 माइनस गामा रहे, ये तो फार्मूला हम लोग ऑलरेडी सिद्ध किए ही हैं यहाँ पर, नहीं यदि माइनस हटा दीजिए तो ये फार्मूला हम लोग सिद्ध किए ही हैं। अब इसी में देखिए टेम्परेचर के टर्म में भी आप फॉर्मूला ले सकते हैं, तो हमारा P2V2 के जगह पर क्या लिख सकते हो, ये आपका NRT2 माइनस NRT1 बटे गामा माइनस 1, चूँकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है ज्वाइंट गैस लॉ फॉलो करता है, तो PV बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं NRT,
तो ये आपका डब्ल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं, तो ये आपका एन आर कॉमन आ जाएगा, तो टी टू माइनस टी वन ने हम लोग देखो यहाँ पर टी वन होगा, ये आपका टी टू होगा, तो ये टी वन माइनस टी टू बटे गामा माइनस वन। ठीक, यहाँ से सोचिए पी वन भी वन के जगह क्या हो गया एन आर टी वन, पी टू के जगह क्या हो गया एन आर टी टू, ये आपका गामा माइनस वन। यहाँ भी ध्यान रखिएगा फॉर्मूला में, तो ये आपका जो है फॉर्मूला में याद ध्यान रखिएगा डब्ल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस एन आर टी टू माइनस टी वन गामा माइनस वन, ये ज़्यादा हम लोग को याद रहता है। और ये क्या है गलत, यदि हम लोग डब्ल्यू एडियाबेटिक एन आर टी टू माइनस टी वन यदि वन माइनस गामा नीचे रहे तब ये फॉर्मूला क्या है ये सही है, ये ब्रेक के लिए ध्यान में रखिएगा। नहीं तो यदि टेम्परेचर से रिलेटेड सवाल दे दे तो बहुत आसान है, और इस फॉर्मूला से रिलेटेड दे दे तो डायरेक्ट पी वन भी वन पी टू भी टू नहीं देता, उसमें फिर पेंच लगा देता। तो हम दोनों एक सवाल हम लोग बना के देखें। नहीं चलिए, तो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ए गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम 127 डिग्री सी टू 27 डिग्री सी एडिया ए गैस एक्सपेंड नहीं, एक गैस के जगह पर जो है टू मोल गैस कर लीजिए, एक गैस करने से जो है नंबर ऑफ मोल का पता नहीं चल रहा, तो टू मोल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम 127 डिग्री सी टू 27 डिग्री सी, कैलकुलेट वर्क डन, गामा का वैल्यू 1.5 है। ये सवाल तो बहुत आसान है, नहीं ये टाइप सवाल है, इसे लेके हम लोग बोर्ड पर करा दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए जो है तो W हमारा एन आर टी वन माइनस टी टू बटे आपका जो है हमारा गामा माइनस वन, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है दो मोल, एन कितना हो गया ये आपका 8.31 टी वन माइनस टी टू 127 माइनस 27 बटे 1.5 माइनस वन। कहिए सर केल्विन में क्यों नहीं बदला, इसलिए नहीं बदला कि चेंज इन टेम्परेचर जितना केल्विन में होता है उतना ही हमारा जो है सेल्सियस में भी होता है। नहीं हमारा डेल्टा सी बराबर डेल्टा के होता, तो ये हमारा जो है 2 गुना 8.31 गुना 100
बटे 0.5, इसको आप बदल दीजिए, दशमलव हटाइए, तो ये आपका जो है 2, तो ये आपका 4 × 8.31 × 100, 4 × 3 = 12, 8 × 4 = 32, 1 = 33, तो ये हमारा जो है 3334 आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसी पर हम लोग जो है एक सवाल प्रेशर से रिलेटेड हम लोग लिखते हैं, ए गैस 2 mole गैस एक्सपेंड्स such that its volume expands from 20 liter to 80 liter adiabatically if initial pressure be 10⁵ Pascal, then calculate work done in expansion of gas गामा का वैल्यू 1.5, ठीक। इसमें देखिए टेम्परेचर का चर्चा नहीं है, वॉल्यूम का। तब हमारा इसमें वर्डन क्या चलेगा, P1V1 - P2V2 बटे गामा माइनस 1। यहाँ P1 कितना है, 10⁵ Pascal, V1 कितना है आपका जो है 20 liter, ये हमारा क्या है 20 liter, ठीक। V2 कितना है 80 liter, तब आपको P2 निकालना पड़ेगा। नहीं, यहाँ डायरेक्ट दाल भात तरकारी नहीं परोस के दिया गया, नहीं आपको भोजन बनाना भी है तब खाना। यदि डायरेक्ट P1 V1 P2 V2 दिया हुआ रहता तो हम लोग प्रॉब्लम में बैठा देते। तो हम लोग क्या करेंगे, PV गामा कांस्टेंट, प्रेशर पहले कितना है 10⁵, वॉल्यूम कितना इनिशियल है 20 लीटर, ठीक, लीटर में ही रखते हैं, कितना 3/2, इधर हमको P2 मालूम नहीं है, ये आपका P2 मालूम नहीं है, वॉल्यूम कितना मालूम है 80 लीटर, 80³/2, ये अंदर का 20 और 4 से काट सकते हैं,
तो यहाँ तो आपका 10 पर पावर 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का पावर 3/2 बने। 1 एक ऐसा नंबर है जितना भी पावर डालिए वैल्यू 1 ही रहेगा। 1 का पावर इन्फिनिटी कर दीजिए या 1 का पावर जो है कुछ भी कर दीजिए, 1 ही रहेगा। नहीं ठीक, 1 का पावर माइनस इन्फिनिटी भी कीजिएगा तो पर भी 1 ही होगा। नहीं, कुछ अटपटा लग रहा होगा, 1 का पावर माइनस इन्फिनिटी नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 का पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टाइम 1 × 1 × 1 × करते रहिए तो 1 ही रहेगा, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। इसी लेके जो है फनी लैंग्वेज में ध्यान रखिए, 1 ऐसा संख्या है जिस पर जितना भी पावर दे दीजिए ये 1 ही रहेगा, अजर अमर है पावर के मामले में। तो यहाँ से आपका जो है P2 4 का पावर, चलो एक लाइन बढ़ाते हैं, 3/2, तो ये 10 पर पावर 5 ठीक, तो ये आपका जो है P2 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा। तो P2 कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 5 बटे आपका 8, इतना हमारा क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। नहीं ठीक, अब जो है वैल्यू रखो, अब इस फॉर्मूला में बैठाओ, वर्क डन। P1 10 पर पावर 5, V1 कितना हो गया, 20 लीटर, तो 20 लीटर है, इसको मीटर क्यूब में बदलोगे तो -3 से गुना करना पड़ेगा, बगल में लिख देते हैं। नहीं, हमारा 1 लीटर जो है कितना होता है, 1/1000 आपका मीटर क्यूब, ऐसा ही में हम लोग बदल रहे हैं, माइनस, तो ये आपका P2, तो 10 पर पावर 5 बटा 8, वॉल्यूम कितना हो गया, 80 गुना 10 पर पावर -3, ये आपका जो है गामा -1, 3/2 -1, तो ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, ये आपका जो है जूल में आ जाएगा। अब देखो जो है यहाँ से, तो ये पावर पहले काटो, 100 हो जाएगा, यहाँ 100 × 20 हो जाएगा, ये आपका जो है 8 और काट दो 10, तो ये आपका जो है कितना से कटेगा, 100 × 10, 100 × 10 बटे आधा, तो ये आपका 2000 में 1000 घटा दीजिएगा, तो 1000 बटे आप गुना 2, तो ये 2000 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। नहीं ठीक, तो ये आपका जो है इसमें जो है यदि वॉल्यूम के टर्म में हो, नहीं प्रेशर में के टर्म में हो तो सवाल थोड़ा लेंदी हो जाता है, और टेम्परेचर के टर्म में हो तो टेम्परेचर के भी टर्म में कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम दे दिए कि इतना से इतना है, तो वहाँ भी आपको लगा देगा कि वॉल्यूम इतना है। नहीं ठीक, तब टेम्परेचर आपको निकालना पड़ेगा। चलिए एक सवाल और, ये तो हमारा आइसोथर्मल
और एडियाबेटिक प्रोसेस में हो गया। अब हमारा जो है वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, ये आपका जो है वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस बोले तो प्रेशर क्या रखना है इसमें, कांस्टेंट नहीं, तब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पी डी भी। तो ये आपका जो है डब्ल्यू आइसोबारिक, तो पी तो यहाँ कांस्टेंट, इसको आप बाहर कर लीजिएगा तो ये डी भी, ये भी वन से भी टू, तो ये क्या हो जाएगा पी भी टू माइनस भी वन ने। तो हमारा डब्ल्यू आइसोबारिक प्रोसेस में तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी टू माइनस भी वन, ठीक। ये हमारा जो है आइसोबारिक प्रोसेस में फॉर्मूला चलेगा। इसी पर एक प्रॉब्लम हम लोग दें, प्रॉब्लम हमारा जो है एक गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ टू एटमॉस्फेरिक, टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 50°C, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। Calculate work done, ये आपका जो है टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, तो यहाँ हमारा जो है कांस्टेंट प्रेशर पर है टू एटमॉस्फेरिक, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1.013 10^5 या इसी को हम लोग 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम क्या होता है, समानुपाती टी का, ठीक। तो ये हमारा जो है तो वर्क डन हमारा क्या होगा, पी आपका भी टू माइनस भी वन, ठीक। तो ये हमारा पी भी टू, तो हमारा ये क्या हो जाएगा एन आर आपका जो है टी टू एन आर टी वन, पी भी बराबर एन आर टी नहीं। यहाँ देखिए जो है नंबर मोल का नहीं दिया गया है, यहाँ पर एक चेंज कीजिए टू मोल गैस नहीं, डाटा जरूरी है, एन का वैल्यू चाहिए इसमें। यहाँ एक गैस के जगह पर क्या कर दिया हम लोग, टू मोल गैस। तो यहाँ से
यदि नहीं समझ में आया पी वी टू माइनस पी वी वन, फिर देखिए पी वी बराबर क्या होता है एन आर टी, तो पी वी के जगह पी वी टू के जगह क्या हो जाएगा एन आर टी टू, तो ये कितना हो जाएगा एन आर टी टू माइनस टी वन, एन कितना हो गया दो, 8.31, टी टू माइनस टी वन डायरेक्ट दिया हुआ है 50 डिग्री, चूँकि हमारा डेल्टा सी बराबर डेल्टा सी 50 डिग्री सी कहिए या 50 केल्विन कहिए बात बराबर, तो ये हमारा 831 जूल होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसमें और हम लोग सवाल कराएंगे, नहीं कल एक दो सवाल कराते हुए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चलेंगे, चूँकि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम उसी में पढ़ना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को इसको प्रॉब्लम बनाने में भी यूज होता है, इसी लेके उसका थ्योरी निकाल लेंगे। प्रॉब्लम में हमारा जो है नए हीट इंजन और आप रेफ्रिजरेटर का भी सवाल जो है सब फंडा मिला हुआ रहता है, इसी लेके पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि थ्योरिटिकल जो है धीरे धीरे पढ़ लें, साथ में सब मिला के हम लोग सवाल कराएंगे। आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।